अगर आप अपना घर सजाने के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम्स ढूंढ रहे हैं तो आपने ऐसे बॉटल में बंद प्लांट जरूर देखे होंगे। इन्हें टेरेरियम्स कहते हैं। ये सुंदर तो है ही और डेफिनेटली घर की ट्रैंक्विलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम करीब से देखें ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सिखाते हैं। हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 700 करोड़ है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हमारी काफ़ी ज़रूरतों के लिए हम नेचर पे डिपेंड करते हैं, पर जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बहुत जल्द हमारे ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो अर्थ 70% पानी से भरा हुआ है, बट इसमें से पीने लायक फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। हर इंसान करीब 160 लीटर्स पानी एक दिन में यूटिलाइज़ करता है और ह्यूमन पॉपुलेशन 2030 तक 850 करोड़ हो जाएगी। इस रेट पे हमारी पानी की डिमांड जल्द ही सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक लीटर पानी एक लीटर पेट्रोल से महंगा हो जाएगा। यही सेम कंडीशंस हमारे बाकी सारे रिसोर्सेज की भी हैं। अगर हम इस बारे में जल्द ही कुछ ना कर पाएँ तो हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए मल्टीपल अर्थ जैसे प्लैनेट्स और रिसोर्सेज की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। कमिंग बैक टू टेरेरियम्स, हर एक टेरेरियम नेचर जैसे ही सेम लाइफ साइकिल फॉलो करता है। जो पानी सॉइल और प्लांट में होता है वो इवेपोरेट होके बॉटल के अंदर वाले सर्फेस में रहता है। जब ये पानी के ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं ये वापस सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट अपनी ज़रूरतों के लिए इसे फिर से यूज़ करता है। बेसिकली टेरेरियम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम है जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज़ और रीयूज़ करता है। इसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी अचीव करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओलंपियो रिवरसाइड इस बात की इंपॉर्टेंस को समझता है। एसटीपी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ और सोलर एनर्जी को इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके अपने रेजिडेंट्स के फ्यूचर को सस्टेनेबल बना रहा है। रिसाइकल्ड वाटर के यूज़ से ओलंपियो रिवरसाइड में फ्रेश वाटर की ज़रूरत 50% तक कम हो जाती है, जिससे एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता और वाटर सप्लाई 2400 घंटे रहता है। इसके इमीडिएट फायदे हैं लो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और लो मेंटेनेंस कॉस्ट्स। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में मैच्योर ट्रीज के संरक्षण का खास ध्यान रखा गया है। यही नहीं, 2000 से भी अधिक ट्रीज के प्लांटेशन की योजना यहाँ के वातावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। ओलंपियो रिवरसाइड में रहने वालों को एक घर ही नहीं, एक सस्टेनेबल वातावरण और फ्यूचर भी मिलता है।